सिक्किम की लाटिन वादी में 4 शुमे की सुबह 23 फौजी जवान तीसा नदी में बह गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तस्दीक की कि सैलाब में फौज की गाड़ी डूब गई। अमले की तलाश का ऑपरेशन जारी है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब फौज की गाड़ियां सिंगम के करीब खड़ी थी, जब यहाँ पानी छोड़ने के बाद सैलाब आ गया। पानी की सतह नीचे की तरफ 15 से 20 फीट की बुलंदी तक पहुंच गई। इसके नतीजे में तीस्ता नदी के पानी के बहाव में फौज की गाड़ियां बह गईं।